बजरिया थाना क्षेत्र के कंघी मोहाल में तहजीब नाम के व्यक्ति ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। आपसी रंजिश में बजरिया थाना क्षेत्र में घनी आबादी वाले क्षेत्र कंघी मोहाल के रहने वाले तहजीब ने खुलेआम चलाई गोली। पीड़ित परिजनों का कहना कि तहजीब व उनके चार साथी मास्क पहनकर हमारे घर के नीचे आए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और तहजीब ने धमकी भी दी कि तेरा भाई कलीम जहां भी दिखेगा उसे जान से मार दूंगा और दो राउंड हवा में गोली चलाकर भाग गए। तहजीब नाम का व्यक्ति कई थानों से जेल भी जा चुका है। सूचना मिलने पर बजरिया थाना फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत मिलने पर कह रही है कार्यवाही की बात, लेकिन जब पीड़ित परिवार बजरिया थाने पहुंचा तो वहां उल्टा ही नजारा देखने को मिला। पीड़ित के भाई को ही थाने में बैठा लिया गया। इससे बजरिया थाने की पुलिस क्या साबित करना चाहती है जी, क्या घटना हुई है? यहाँ बस कुछ लोग आए थे, तोड़ मोड़ मचा के चले गए और कह रहे हैं दो फायरिंग करी और कह रहे कलीम भाई अगर कहीं भी दिखेंगे तो वही अगर गोली मार देंगे। क्या आप किसी को पहचान? नहीं पहचान नहीं। क्या कलीम भाई को आपके मारा भी है? नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता। लगभग कितने लोग थे पता ही तो नहीं। लगभग कितने लोग थे मौके पे? घर पे दो चार लोग आए थे। दो चार लोग। फायरिंग कितने लोगों ने की है मौके पे? दो लोगों ने। लगभग फायर कितने हुए? दो ही फायर हुए जी। और आप क्या बताना चाह रही हैं इस घटना के संबंध में? पुरानी कोई रंजिश थी? पता नहीं है। नहीं, जो लोग आए थे उनके बारे में कुछ जानती हो? कैसा हुलिया, कैसे लोग थे? दोस्त थे उनके, भाई उनके दोस्त थे। लड़ाई पैसे को लेकर बात हुई? लड़ाई जो बात हो पूरी खुल के बताओ। भाई दोस्त थे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शादी पान। क्या घटना हुई है? घटना यहाँ पे ये हुई है कि हम लोग नमाज के टाइम पे यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए निकल चुके थे और तहजीब की और करीम भाई की आपसी कोई बात हुई, लड़ाई लोगों ने नहीं थम पाई, बढ़ गई। बढ़ने के बाद यहाँ पे करीम भाई भी नहीं आए और हम लोग भी नहीं आए। उसके बाद तहजीब की उनकी लड़ाई में तहजीब ने मारपीट करने के बाद यहाँ पे कुछ लोग तहजीब के बाद आके गोली सीधी सीधी चलाते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं। औरतें घर में अकेले थी। उसके बाद उन्होंने आके सीधे सीधे ये कहा कि यहाँ पे कलीम जहाँ भी हमें दिख गए वहाँ पे हम उनको गोली मार देंगे। ये तहजीब कंघी मोहल्ल में रहते हैं, कंघी मोहल्ल में लड़ाई हुई थी। यहाँ पे आने का उनका वजह यही थी कि जान से मारने की वजह थी, वरना लड़ाई जहाँ हुई वहीं से बात खत्म हो गई थी। वो नहीं माने, उसके बाद उन्होंने अपने ही हाथ पैरों से चोट मारने के बाद जाके थाने में बैठ गए हैं और दिखा रहे हैं कि हमें मारा है। यहाँ पे गोली चलवाते हैं और जाके थाने में बैठ जाते हैं। लिहाजा पुलिस हमारे साथ सही से सहयोग करे और इस मामले को तय तक के पहुंचे कि क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब तहजीब एक नामी हिस्ट्रीडो में उसका नाम है। इसके कई भी मामले थाना बजरिया और चुन्नीगंज में चल रहे, इससे पहले भी उनकी लड़ाइयां कई हुई हैं। लिहाजा सीधे साधे लोगों को दबाना और गोली चलाना, अगर ये गोली किसी के लग जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस प्रशासन यहाँ आ रहा है, कोई बात नहीं हो पा रही है सही से। हम लोग यही चाहते हैं कि सही से इस पर कार्रवाई होना चाहिए। छह राउंड फायर किए? दो राउंड फायर करके गए इसी जगह पे। आरटीआई न्यूज 24 के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।